नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के इस वीडियो में मैं हेमंत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12वीं के आधार पर भी अब बीई और फार्मेसी में प्रवेश होने वाले हैं, इस पर पूरी बात करने वाले हैं। और आखिरी में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी की जो परीक्षा है एक ही दिन कर दिया गया है, तो इसके लिए जो उम्मीदवार है उनके द्वारा यहाँ पर हड़ताल या फिर परीक्षा का डेट तिथि बदलने के लिए मांग कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ताल नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर हमने नवभारत का आर्टिकल, जहाँ पर 19 नवंबर 2021 का जो आर्टिकल है उस पर यहाँ पर आया हुआ है, 12वीं के आधार पर भी बीई फार्मेसी में प्रवेश, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो हेडलाइंस है तकनीकी शिक्षा, तो आप लोग तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इंजीनियरिंग फार्मेसी पॉलिटेक्निक और स्पॉट राउंड 22 नवंबर से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं 30 नवंबर तक लिया जा सकता है प्रवेश। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीईटी पीपीएसटी जेई प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाने वाले स्टूडेंट भी स्पॉट राउंड में 12वीं के आधार पर इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसी तरह 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं। संस्थावार या स्पॉट ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 22 नवंबर से शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होगा। संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अनुसार सत्र 2021-22 में छत्तीसगढ़ में स्थित इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक फार्मेसी आर्किटेक्चर जो है बाकी विषय है उसके लिए भी आप लोग डेट याद कर लीजिए कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग है अब 22 नवंबर से स्पॉट ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाना है। तो जिन्होंने भी अभी तक परीक्षा नहीं दिलाया था, और अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग होना है या फार्मेसी करना है या तो फिर पॉलिटेक्निक करना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि ताकि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फार्मेसी में या तो फिर आप पॉलिटेक्निक में। स्पाउट राउंड के तहत 22 नवंबर से ऑनलाइन जारी हो रहा है, और यहाँ पर लिखा गया है रिक्त सीटों की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। बीई में 7,045 सीटें, एमटेक की 1,042 सीटें खाली है, जबकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 5,548 सीटें अभी भी रिक्त है। डी फार्मेसी के 247 सीटें, बी फार्मेसी के 662 सीटें खाली यहाँ पर बताया जा रहा है तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा। एमबीए की 529 सीटें, एमसीए के 164 सीटें अभी भी खाली है। तो इस खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट ऑनलाइन 22 नवंबर से शुरू हो रही है, तो आप लोग इस फॉर्म को अवश्य जरूर से भर लीजिए। अगर चाहते हैं इंजीनियरिंग करना या फार्मेसी या पॉलिटेक्निक करना, तो स्पॉट राउंड में आप अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर से अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापम पीएससी की एक ही दिन परीक्षा का विरोध, तिथि बदलने की मांग। यहाँ पर जो उम्मीदवार है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एनएसयूआई ने अंबेडकर चौक में किया है प्रदर्शन, काली पट्टी लगाकर और तख्ती लेकर बैठे हैं, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। समाधान नहीं हुआ तो सीएम से मिलने की भी बात इन्होंने किया है। संवादहीनता का नतीजा यहाँ पर आप देख सकते हैं। छात्र नेता हरिओम तिवारी ने बताया है कि पीएससी द्वारा 12 दिसंबर को पहले ही परीक्षा को लेकर तैयारी कर ली गई थी, बाद में व्यापम ने ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक परीक्षा की तिथि घोषणा की है। इसके लिए 5 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक फॉर्म भरने का समय भी अभ्यर्थी को दिया गया था, लेकिन यहाँ पर चाहिए कि व्यापम जो है उनका डेट जो है पहले बदल देना चाहिए, क्योंकि पीएससी का ये डेट पहले से था, तो यहाँ पर व्यापम को इसका जो तिथि है उसको बदलना चाहिए, और ये जायज मांग है। इसके लिए मैं वीडियो पहले से ही बना रखा हूँ, चाहे तो आप आई बटन पर भी इसको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं उम्मीदवारों के द्वारा जिन्होंने व्यापम और पीएससी का जो एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो जो है यहाँ पर धरना के लिए विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये जो है NSUI है और ये के छात्र हैं, तो अंबेडकर चौक में इन्होंने किया प्रदर्शन और काला पट्टी लगाकर और तख्ती लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मांग देखिए, अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। ये मांग कब तक पूरा होता है ये कुछ ही दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि व्यापम और पीएससी का जो परीक्षा है एक ही दिन हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि तो यहाँ पर चाहिए कि व्यापम जो है अपना जो तिथि है उसको बदलना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।